और हमें थोड़ा सा हेडिक ही हो जाए तो हम कहते नमाज नमाज। और मैंने कुछ लोगों को देखा है, अगर अस्पताल में पहुंच जाए और उनको पैंपर लगा दिए जाते, अब वो समझते हैं कि नमाज नापाक हूं तो नमाज। सुभान अल्लाह। ओ अहले ईमान, नमाज पढ़िए जब तक होशो हवास कायम है। रब जानता है तू खुद नापाक रहता है कि रब ने कर दिया। हमारी जमात के बड़े चोटी के मुहद्दिस हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्ला अस्पताल में रहे कई महीने और पैंपर लगता रहा, बेहोश हो जाते जो ही होश आता, उन्हें नहीं पता वक्त कौन सा है। अल्लाह अकबर एक रकअत अदा करते लेटे ही लेटे फिर बेहोश हो जाते। जान निकल गई लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। रब नियतों को जानता है कि एक नमाज तक इसके होश आवाज कायम थे और उसके बाद इसके होश आवाज खराब हो गए, ये बेहोश। फिर जागा, फिर पूछा नमाज। अल्लाह अकबर, फिर नमाज शुरू कर दी। पहले ईमान की यही कैफियत हुआ कर, वो अल्लाह के पास इस हालत में जाना चाहता है कि शहादतैन के बाद जो सवाल होगा अहले तौहीद से, नमाज अव्वलु मा युहासब, मुहासबा किया जाएगा।